जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो बंदा इस पतले वाले को सीधे मार मार कर उस स्वेटर वाले बंदे के कमरे में ले आता है और कहता है, तो वो तुम थे जिसकी इतनी हिम्मत हुई। वो बंदा उस बॉडी बिल्डर को देख के डर जाता है और कहता है, तुम तो स्पेशल आर्मी बनने के लिए गए थे ना, तुम वापस कैसे आ गए? वो बॉडी बिल्डर कहता है, मेरा जब मन करेगा तब मैं वापस आ जाऊँगा, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? ये स्वेटर वाला बंदा सोच रहा होता है, ये वो है जिससे मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब इसकी फैमिली इसे आर्मी में भेजने वाली थी उससे पहले इसने बहुत सारे कांड किए हैं। इधर हमें उस पतले वाले बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, इन लोगों ने कहा है कि ये मुझे बहुत मारेंगे, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। वो स्वेटर वाला कह रहा होता है, तुम अपना मुंह बंद करो बेवकूफ़ कहीं के। वो बॉडी बिल्डर उस पतले वाले को उठा लेता है और कहता है, बताओ इसने तुमसे क्या करने के लिए कहा था? वो पतला वाला बंदा बताता है, उसने बताया था कि इस रूम के अंदर दो लड़कियां होंगी, सबसे पहले तुम्हें उन्हें जाकर तंग करना है, उसके बाद ये हीरो की तरह आएगा और उन्हें बचा लेगा, लेकिन गलती से इसने गलत दरवाजे पर लात मार दी और इसका ये हाल हो गया। वो लड़की कहती है, वूजी तुमने ये सुना, ये क्या कह रहा है? वूजी उससे कहता है, आखिर अब तुम्हारा प्लान क्या है? वो बॉडी बिल्डर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये ड्रामा की तरह सारा सीन रचोगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा? वैसे तुम अपनी ये टैक्टिक्स को चेंज क्यों नहीं कर लेते? तुमने पहले भी ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया होगा। वो स्वेटर वाला बंदा उन लोगों से कहता है कि इस पे ज़रा ही विश्वास मत करना, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है, मैं इसके साथ नहीं मिला हुआ हूँ, ये बंदा एक गैंगस्टर है, मैंने इसे पहले ही पकड़ा था लेकिन मैंने फिर इसे छोड़ दिया, लेकिन इसने देखो इसने मुझे धोखा दिया। वो बॉडी बिल्डर उसकी तरफ आ रहा होता है और कहता है, तुम सिर्फ इन दोनों लड़कियों के लिए ये सब कर रहे थे? कैसा होगा अगर इन दोनों में से किसी एक को मैं ले लूँ तो? वो लड़की बोल रही होती है कि मेरे पास मत आओ। ये बॉडी बिल्डर बोल रहा होता है कि मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वूजी आता है और उस बॉडी बिल्डर का हाथ पकड़ लेता है। वूजी उससे कहता है, मैंने तुम्हें धीरे से पकड़ा हुआ है, बिल्कुल भी मत डरना। वो बॉडी बिल्डर कहता है, तुम मेरा हाथ छोड़ दो वरना इसके आगे जो अंजाम होगा वो मैं भी नहीं जानता हूँ, हो सके तो तुम्हारा ये हाथ तुम्हारी बॉडी से अटैच नहीं रहेगा फिर। वूजी उससे कहता है, जितनी देर तक तुम कोई मजाक करने की कोशिश नहीं करोगे वैसे ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बंदा हंसने लगता है और कहता है, लगता है जब से मैंने इस जगह को छोड़ा है तब से यहाँ पर कुछ ताकतवर लोग भी आ गए हैं। वो जी उसका हाथ छोड़ देता है। वो बंदा उससे कहता है, देखने से लगता है कि तुम्हें भी मार्शल आर्ट्स आता है। अगले ही पल हम देखते हैं वो बंदा ज़ोर से वो जी पे हमला करता है, लेकिन वो जी अपने एक ही हाथ से उसके उस हमले को रोक लेता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं वूजी कुछ हमला भी नहीं करता और वो बंदा ज़मीन पे बैठ जाता है। वो बॉडी बिल्डर सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैंने अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला किया था लेकिन ये मुझ पे वापस से बैकफायर क्यों हो गया? वूजी सोच रहा होता है, क्या ये वही अल्टीमेट मसल टेक्निक थी? उसके बाद वो उस बंदे से पूछता है कि लियू वुसेंग का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है? इस बात को सुनकर उस बॉडी बिल्डर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उन्हें उनके नाम से बुलाया? वो खड़ा होने लगता है और कहता है, भले ही मैं अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ लेकिन अभी भी मेरे पास मेरी सीक्रेट टेक्निक है, और उसकी ये सीक्रेट टेक्निक होती है बिल्कुल वन पंच मैन जैसे ढेर सारे पंचेस। लेकिन वूजी को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था ऐसे छोटे मोटे हमलों से। हम देखते हैं कि वो उस बॉडी बिल्डर को उसके घुटनों पर बैठा देता है और फिर उससे कहता है, देखो अगर मैं तुम्हें मारना चाहता ना तो तुम अभी तक कब के मर चुके होते। जब बच्चे मिसबिहेव करने लगते हैं तब कोई और चारा नहीं रहता है और उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं वूजी उसे उसके ग्रैंडपा का फ़ोन देता है और कहता है, लो तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे बात करना चाहते हैं। वो कहता है, हेलो, हाँ दद्दू बोलिए, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो चिल्ला के कहने लगते, तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें ज़रा भी दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हें पता हमने तुम्हें यहाँ से आर्मी क्यों भेजा? ताकि तुम थोड़ा डिसिप्लिन सीख सको। बेवकूफ़ कदा, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है तुम थोड़े से भी इम्प्रूव नहीं हुए। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनसे तुम पंगा ले सकते हो, लेकिन नहीं, तुमने पंगा लिया भी तो किससे लिया, मिस्टर वूजी से? वो कहता है, अरे मेरी बात तो सुनिए। उसके ग्रैंडपा उसे चिल्ला के फिर से कह रहे होते हैं, नहीं तुम मेरी बात सुनो, उनसे जल्द से जल्द माफ़ी मांगो, मिस्टर वूजी एक बहुत ही काइंड पर्सन है और मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया, वरना अभी तक तुम कब के टपक चुके होते। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अगली बार ऐसा फिर से कुछ हुआ ना तो उनसे पहले तो मैं ही तुमसे निपट लूँगा। अब फ़ोन कट हो जाता है। वो बॉडी बिल्डर वूजी से कहता है, आखिरकार तुम हो कौन, मेरे ग्रैंडपा तुम्हारी इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों कर रहे हैं?
वो तुम्हें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? क्या तुम उनसे ज़्यादा ताकतवर हो? वो जी कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हो? वो कहता है, अब जबकि ग्रैंडपा ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी है तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? और वो कहता है, वो स्वेटर वाला कोई अच्छा बंदा नहीं है, और जबकि तुम उसके साथ थे तो मैंने सोचा कि... वो जी उससे कहता है, तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं उसके साथ हूँ? वो कहता है, क्या तुम उसके साथ नहीं हो? तो फिर मैंने उसकी लड़कियों को छुआ तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? वो लड़कियाँ कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम उस स्वेटर वाले के साथ नहीं हैं। वो कहता है, जब से मैं इस रूम के अंदर घुसा तब से मैं देख रहा था कि वो तुम ही लोग को देख रहा है, तो अब मैं इसका सारा प्लान समझ चुका हूँ। वो शुरुआत से यही चाहता था कि मैं तुमसे लड़ूं। वो जी कहता है, अब हमारे पास यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर वो स्वेटर वाला बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन आगे में उसके दो बॉडी बिल्डर दोस्त भी तो होते हैं। और फिर उसके बाद हमें रूम से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। सीन चेंज होता है, हमें यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर आज बास्केटबॉल मैच होने वाला होता है दोपहर में, और सभी लड़कियाँ इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उस बास्केटबॉल मैच में वो स्वेटर वाला बंदा भी होगा। हम देखते हैं बूजी के पास एक बंदा आता है जो अपने आप को कैप्टन बताता है चाइनीज़ मेजर बास्केटबॉल टीम का। वूजी उससे कहता है, हाँ बोलो क्या हुआ? वो वूजी को बताता है आज दोपहर उनका मैच होने वाला है फाइनेंस मेजर्स के साथ, तो क्या वूजी उनका सब्सटीट्यूट बनेगा? वूजी उससे कहता है, मैं सब्सटीट्यूट कैसे बन सकता हूँ, मुझे तो खेलना भी नहीं आता है। वो कहता है, नहीं नहीं, हमें खेलने वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें बस नंबर्स में प्लेयर चाहिए, और वैसे भी तुम उस बेकार से बंदे से तो ज़्यादा अच्छे हो। इधर वापस से दो लड़कियाँ वापस वूजी के पास आ जाती है और कहती है, क्या तुम भी उस बास्केटबॉल मैच में हिस्सा लेने वाले हो? वूजी उससे कहता है, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं कि बास्केटबॉल खेला कैसे जाता है। वो कहता है, तुम ज़रा भी चिंता मत करो, थोड़ी सी टीम स्पिरिट दिखाओ, मैं 5 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा बास्केटबॉल कोर्ट में, ठीक है फिर मिलते हैं। वो लड़कियाँ उससे कहती है, ठीक है तुम भी खेलोगे ना, हम वहाँ तुम्हें चेयर करने के लिए ज़रूर आएंगे। वो कहता है, लेकिन मुझे तो खेलना भी नहीं आता है, और मैंने तो उसे अभी तक हाँ भी नहीं कहा है। वो लड़की कहती है, तुम ज़रा भी चिंता मत करो वूजी, मैं और याओ, याओ जो वूजी के बगल में बैठी है, वो दोनों उसे चेयर करने के लिए वहाँ पे रहेंगी। वो कहती है, हाँ हम रहेंगे। वूजी कहता है, लगता है मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे खेलना ही पड़ेगा। और इस तरफ इनकी बातें छुप छुप कर सुन रहा होता है ये स्वेटर वाला बंदा। वो कहता है, वूजी तुम कोई भी हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हें इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में आप लोग को एक अच्छा सा बास्केटबॉल मैच देखने के लिए मिलेगा, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।